भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर के तहसील कार्यालय परिसर में। यहां समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरण वितरित करने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया है। तो मेरे सामने हैं एक अधिकारी जो एक विकलांग को ट्राई साइकिल वितरित कर रहे हैं। तो मैं इनसे वार्ता करता हूँ। क्या शुभ नाम आपका? हाँ, मेरा नाम जगदीश लखेड़ा है। मैं राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सदस्यीकरण संस्थान देहरादून से आया हूँ। ये योजना जो है भारत सरकार की एक योजना है, जिसके अंतर्गत हम लोग दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सहायक उपकरणों का निदान करें, जिससे कि उनको सहायक उपकरण प्रदान होकर वो भी समाज में अपने आप को असहाय और असामान्य ना समझें और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का हम लोग कार्य करते हैं। जैसा कि आजकल समय समय के अनुसार टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, हम लोग भी अच्छे अच्छे हाई क्वालिटी के जो उपकरण हैं इन लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमने यहाँ लगाया शिविर जो लगाया, इसमें लगभग 14 लाख का सामान हम लोग वितरित कर रहे हैं। और 11 तारीख को हमारा अगला शिविर जो है वो खटीमा में है, और उसमें भी हमारा लगभग 17 लाख का सामान वहाँ वितरित किया जाएगा। तो ये बताएंगे कि आज आपने कितनी मात्रा में कौन कौन से उपकरण वितरित किए? इसमें हमने ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखियाँ, छड़ी, कान की मशीन और एल्बो क्रैच, जिसको बोलते हैं हाथ पे फंसा के एल्बो क्रैच, और इसके अतिरिक्त भी 2-3 प्रकार के और छड़ियाँ थी। और लगभग आज हमने इतने, क्योंकि जो लोग चयनित थे, जिस चीज़ के जो पात्र थे, जिनका चयन, टोटल उपकरण कितने वितरित किए आपने? टोटल उपकरण करीब 73-74 लोग को करा है। 73-74। हाँ, अभी पूरी गणना अभी चल रही है, तो जैसे ही पूरी गणना होगी तो उससे आप पता लग जाएगा। और ये जो भाई है हमारा, ये इनसे आप खुद ही पूछ सकते हैं कि इनको ये प्राप्त करके क्या कैसा है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है। कहाँ का रहने वाले? जसपुर के रहने वाला हूँ। अच्छा, तो ये जो ट्राई साइकिल आपको समाज कल्याण विभाग ने दी है, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छी सुविधा मिली है। अच्छा, इससे पहले भी कभी समाज कल्याण विभाग से ली ट्राई साइकिल वगैरह आपने? नहीं, बड़ी वाली साइकिल मिली थी। बड़ी वाली साइकिल? अच्छा, तो ये ज़्यादा सहूलियत वाली है? हाँ, ये ज़्यादा सहूलियत वाली है, क्योंकि मैं चल फिर नहीं सकता ना, दोनों पैर मेरे बेकार हैं। अच्छा, आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया गया? ना, पैसा नहीं लेते हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। इस योजना के अंतर्गत मान्यवर, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग दिव्यांग लाभार्थी का दिव्यांग प्रमाण पत्र की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति और एक फ़ोटो और एक उसकी आय का प्रमाण पत्र, चाहे वो ग्राम प्रधान से भी हो, वो भी चलता है। तो देखिए, मैं अभी वार्ता कर रहा था ये श्री लखेड़ा जी से, तो उन्होंने विस्तार से बताया जो समाज कल्याण विभाग द्वारा ये आज का जो शिविर लगाया गया, इसकी पूरी जानकारी उन्होंने दी। तो देखिए, समाज कल्याण विभाग द्वारा समय समय पर दिव्यांगों के लिए शिविर का आयोजन कर सहायक उपकरणों का वितरण करता रहता है। लखेड़ा जी ने बताया कि इसके बाद अब खटीमा में, किस तारीख को? 11 तारीख 11 फरवरी को खटीमा में शिविर लगाया जाएगा और उसमें दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। YouTube चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।